है एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल एक्स द ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजर्स डार्पनेस तो आज का जो टॉपिक है गाइज़ वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में अगले बहत्तर घंटे में क्या होने वाला है क्या ऑफकोर्स हो सकता है सो ऑफकोर्स इट विल बी अ टाइम लेस कलेक्टिव फॉर ऑल जो डे साइंस रीडिंग एंड इट इज अ जनरल प्रोडिक्शन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बींग विद मी लव य लॉट सो वी डू हैव द सोलमेंट यहाँ पे है हमारे पास रीपेरेंटिंग योर सेल्फ वी डू हैव द गार्डन वी डू हैव द सेक्शुअल फ्रीडम वी डू हैव द सेविटी बॉटम ऑफ द डेक गार्डन गार्डनर है यहाँ पे गार्डन यहाँ से हम देख लेते हैं उसके बाद हम शुरुआत करते हैं We do have the six of cups. We do have the star card. We do have the ace of wands. we have nine of swords. We do have queen of cups. Bottom of the deck we do have seven of pentacles. So here we have Taurus Virgo Capricorn. वृषभ कन्या मकर राशि एरीज लियो सजटेरियस मेष सिंह धनुराशि यहाँ पे है कैंसर पाशो स्कॉर्पियो कर्क कर्मिक और मीन राशि एंड एक्वे जवना तुला राशि सारे सिक्स एंड नाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट सेवेंटीन सेवनटीन आप देख सकते हैं सेवन सेवन आप देख सकते हैं बेसिकली अगले बहत्तर घंटे में होने वाला क्या है अगले बहत्तर घंटे में आपको ये रियलाइजेशन हो सकता है कि द को डिपेंडेंसी फैक्टर इज़ नॉट गुड मतलब हो सकता है कि आप कोई ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है कहीं ना कहीं पे वो खुश रहेंगे तो आप खुश रहेंगे वो वो उदास हो जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है मे बी आपके पार्टनर है हस्बैंड है वाइफ है कोई भी हो सकता है ठीक so, है सो एक को डिपेंडेंसी जो फैक्टर है काफ़ी गलत है और उस चीज़ को आप रियलाइज करते हुए दिखाई दे रहा हो आपको लग रहा है अरे बार बार ऐसा होता है उनके जॉब में उनके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो कहीं ना कहीं पे उनका मूड ऑफ हो जाता है तो इस तरह से आपका भी मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि यू यू फील दैट दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन यू फील दैट बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि Soulmate connection are not like that. Soulmate connections are like that jahan जहाँ पे सिर्फ ka का नहीं सुख का भी hoga होगा यहाँ aur और मुझे यहाँ dikh दिख रहा है within the next 72 hours usse pehle bhi उससे पहले भी शायद आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि दैट हु इज योर रियल सोलमेट मे बी यू आर स्टिल थिंकिंग ऑफ समवन किसी इंसान के बारे में आपको ऐसा लग रहा है वो हो सकता है क्या मैं सही जा रहा हूँ क्या मैं सही जा रही हूँ क्या मुझे अपने दोस्तों के बात सुन लेने चाहिए क्या मुझे अपने घर वाले के बात सुन लेने चाहिए क्या मुझे शादी के लिए हाँ कर देना चाहिए क्या मैं अपने ज़ुबान के पक्के हो जाऊँ जो मैंने कह दिया क्या वही मैं करूँ या अपना जो डिसीजन है वो मैं बदल दूँ सो वाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ सोलमेट यू विल नो दैट बेसिकली आप मुझे यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट सेवेंटी टू आवर्स में ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे आप अपने आप को एम्पावर करते हुए दिखाई दे रहे हो आपके जो स्ट्रांग पॉइंट्स है जैसे होता है ना हर एक इंसान का स्ट्रांग पॉइंट्स भी है और वीक पॉइंट्स भी है कुछ लोग आपके कमज़ोर पल की फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे थे लेकिन उनको भी पता चल जाएगा कि आप कितने मजबूत हो ठीक है दे विल ऑल्सो नॉट ट्राई टू मैनिपुलेट यू और मॉलेस्ट यू और डू समथिंग ठीक है वो भी कभी नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट सेवेंटी टू आवर्स में ऐसा आप समझ जाओगे कि अपने आप को रक्षा कैसे करते हैं और अपने आप को हील भी कैसे कर सकते हैं एंड दूसरा तरीका है कि कैसे हम अपने क्रिएटिव वर्ल्ड में अगर हम ये जो दुनिया है इसमें भी अगर हम खुद का क्रिएशन करें आप कुछ करते हुए यहाँ पे नजर में आ रहे हो यूर क्रिएटिंग समथिंग बाय योर ओन हैंड आप अपने हाथ से कुछ बनाते हुए दिखाई दे रहे हो बीड अ स्मॉल थिंग बीड अ लार्ज थिंग बट आप कर रहे हो आप प्लान कर रहे हो आप डिवाइस कर रहे हो कुछ स्ट्रैटेजीज आपको ऐसा लग रहा है कि ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपकी किस्मत को बदल देगा बहुत टाइम आप वेट कर रहे थे वो आपके लिए एक फैक्टर बन सकता है दरवाजा खोलने का बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं लेकिन आप अननेसेसरी हो सकता है कि टेंशन ले रहे हो आपको कुछ नई चीज शुरुआत करना है और आपको उस चीज में आपको सक्सेस चाहिए ही चाहिए यू वॉन्ट सक्सेस एंड दैट इज गोइंग टू कम आप एक टॉप परफॉर्मर बनने वाले हैं नेक्स्ट सेवेंटी टू आवर्स में ऐसा कुछ आप प्रिपरेशन लेने वाले हैं जब मेन फाइनल एग्जाम आ जाएगा या फाइनल इंटरव्यू होगा या फाइनली कुछ चीज़ डिसाइड होगा दूसरे पार्टी से तो आपका सिलेक्शन वहाँ पर पक्का है क्योंकि आप ऑटोमेटिकली इनर वैल्यूज को मोरालिटी को एथिक्स को जागृत करते हुए दिखाई दे रहे हो आप काफ़ी सेंसिटिव भी हो सकता है नेक्स्ट सेवेंटी टू आवर्स में किसी का बात आपको बहुत बुरा लग सकता है लेकिन जस्ट प्रोटेक्ट योर समझ लेना कि एक लीडर जो होता है उसका जो स्किन है जैसे हमें पढ़ाया जाता था देयर स्किन शुड बी लाइक अ राइनो राइनोसोरस को कितना भी बुलेट मारे ना उसका स्किन भेद करना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज द स्किन ऑफ अ राइनो इज़ वेरी थिक सो वी वेन यू वॉन्ट टू बी अ लीडर जब आप लीडर बन रहे हैं ठीक है धीरे धीरे ही सही तो आपकी स्किन आपको और चमड़ी जो होता है ना वो मोटा कर लेना चाहिए बिकॉज यू विल हीयर डिफरेंट थिंग्स फ्राम डिफरेंट पीपल क्योंकि बहुत सारे लोग सहन नहीं कर पाएंगे आपके ग्रोथ आपके प्रॉस्पेरिटी आपके अच्छे रिलेशनशिप्स आपके बहुत अच्छा काम क्योंकि उनसे हजम नहीं होगा हजम नहीं कर पाते क्यों बिकॉज दे कैनॉट मेक इट उन वो खुद नहीं कर पाते दे के नॉट रीच एट योर लेवल वो आपके लेवल तक पहुँच नहीं पाते इसलिए वो ऐसा करते हैं बट ऑल ऑफ अ सडन मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट सेलेंडबिटी मीन्स ऑल ऑफ अ सडन ऑल ऑफ अ सडन यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम द रॉकी पाथ टू दिस वे टू द ग्रीन फील्ड एक बहुत ही कठोर तपस्या से जैसे लोग जाते हैं ना वो ऑलरेडी आपने झेल चुके हो अभी नेक्स्ट सेवेंटी टू आवर्स में ऐसा कुछ ओपनिंग आपके लिए हो सकता है आपको दिखाई दे सकता है प्रॉपरली आप क्लियर हो जाओगे कि क्या आपको चाहिए क्या आपको प्रायोरिटाइज करना है क्या अपना करियर को करना है क्या लव रिलेशनशिप्स को करना है या ओपन रिलेशनशिप्स में जाना है क्या आप अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहोगे क्या आप अपने पेरेंट्स से दूर रहना चाहोगे क्या आपको कोई और जगह पे शिफ्ट हो जाना चाहिए अपने फैमिली के साथ क्या अपने ही इलाके में रहना चाहिए यू विल बी वेरी क्लियर बट वट एवर बी इट इज़ द सन रेज आर हेयर कहीं ना कहीं पर यू विल फील द वार्म ठीक है एक वेलकम जैसे मुझे दिखाई दे रहा है वेलकम गेट जैसे खुल रहा है इट्स लाइक ए वाइड डोर विच इज़ ओपन एक घर सफ़ेद दरवाज़ा जैसे खुल रहा है आपके लिए एंड आई डोंट फाइंड यू इंडलजिंग इन मैटर्स ऑफ लाइक बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा अरोमैटिक चीज़ें व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहे हो सचते हुए दिखाई दे रहे हो संवरते हुए दिखाई दे रहे हो घूमते हुए दिखाई दे रहे हो मे बी यू प्लान फॉर अ टूर मे बी यू प्लान फॉर अ गेट टुगेदर मे बी यू प्लान फॉर योर ओन वेडिंग और हनीमून ट्रिप आप खुद प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हो ना इरेस्पेक्टिव ऑफ योर बिजी स्केड्यूल ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपना काम में इतना ज़्यादा निष्ठा है कि कोई और डिस्ट्रैक्शन करना भी चाहे तो वो नहीं कर पाएगा वही तो आपकी जीत है नहीं कर पाएगा और आप उस पोजीशन में कामयाब होके रहेंगे नाउ अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन गेट कनेक्टेड फिजिकली सारे लोगों के लिए नहीं है भाई यू कैन गेट कनेक्टेड फिजिकली ठीक है टू अ पर्सन अगर आप अभी रिलेशनशिप में भी है तभी भी आपके लिए मैं बोल रही हूँ अचानक साहब के पर्सन आ रहे हैं बहुत दूर से एन यू आर गेटिंग फिजिकल कनेक्टेड Okay, यू आर getting physically intimate with your partner so it can also happen aap आप उसमें भी सुख भोग कर सकते हैं agle अगले ghante घंटे में मुझे दिखाई दे रहा है And maybe aap chahte आप चाहते थे कि आपके hard work, patience ki rewards की रिवॉर्ड्स मिले हो सकता है कि आपको नहीं मिल रहा था बोल के आपको बहुत प्रॉब्लम था आपकी हार्ड ब्रेक ना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपने बहुत दिन से आपका जो हार्ट ब्रेक हुआ है ना वो आपके कैरियर के पाथ में आगे आ रहा है वो एक ब्लॉकेज मुझे दिखाई दे रहा है जैसे लोग बोलते हैं ना कि हमारे ज़िंदगी में ब्लॉकेजेस क्या है ब्लॉकेजेस वही होते हैं स्पेशली हार्ट ब्रेक रिसेंटली हार्ट ब्रेक हुआ होगा और उसका असर अभी भी आपके ज़िंदगी में है इस पोजीशन में पहुंचने के लिए आपके लिए दो चीज़ ज़रूरी है एक तो यू हैव टू फॉरगेट वट एवर हैड हैपेंड और दूसरा बात वही है कि ऐसा मान ही लो कि कुछ हुआ ही नहीं है बस जस्ट क्लोज द चैप्टर फिनिश इट बर्न इट ठीक है उस पेपर में लिखो और बर्न कर दो क्या लिखना है दैट आई एम एंडिंग द रिलेशनशिप आई डू नॉट वॉन्ट द रिलेशनशिप एनी मोर जस्ट रैप इट अप थ्री टाइम्स एंड बर्न इट और उस राग को बाहर फेंको ठीक है सो बेसिकली यू कैन यूज ब्लैक कैंडल और येस ब्लू कैंडल फॉर प्रोटेक्शन ऑल्सो ठीक है उसके लिए आप कर सकते हो कुछ स्पेल्स आप कर सकते हैं अगर आपको जान जानते हो तो आप करो आई डोट फाइंड यू आर मैनिफेस्टिंग इन अ पॉजिटिव डिरेक्शन लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ें जैसे होता है ना कि आ, नहीं उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया उसका व्यवहार सही नहीं था उसका एटीट्यूड सही नहीं था लेकिन वो जो एनर्जी आपका वेस्ट जा रहा है वो आपके आने वाले समय में वो चीज़ आपके लिए बंद दरवाजा को ही दिखाएगा खुले दरवाजे को नहीं दिखाएगा तो द बेटर इज टू मूव आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन ठीक है समझ जाओगे आप मैं भी अलर में भी अ गाइड आपको काफी हेल्प कर सकते मैं भी आपके खुद के मोम आपके हेल्प करेंगे ठीक है समझने में यहां से देखते हैं आई टोल्ड यू ना देट किसी के लिए कुंडली नहीं जागरण हो सकता है किसी के लिए हो सकता है कि कुछ डेंजर्स uh, है आपको थोड़ा सा देखिए सावधान रहना चाहिए कुछ लोगों के लिए आई टोल्ड यू सोलमेट है यहाँ पे भी है आपको पता चल जाएगा हु इज अ रियल सोलमेट कुछ और चैंठ मंत्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं ओके ऑल राइट एन यू आर गेटिंग वेरी गुड कनेक्शन ऑल्सो कनेक्शन में भी तुरंत मैनिफेस्ट ना हो बट आप ऑलरेडी उस कनेक्शन को मतलब जैसे यू विल जस्ट गेट कनेक्टेड लाइक आपको फील होगा यस एस देर इज समन फॉर मी पहाड़ की ऊंचाई पर उठने के लिए साफ बिच्छू रहेंगे काटने वाले हैं वो आपको लेकिन आपको भी ठान लेना है कि आपको ऊंचाई तक पहुंचना है ठीक है और यू कैन स्टे इन योर ओन पोजिशन विदाउट एनी विजन और मिशन अगर आपको विजन मिशन इतना नहीं चाहिए तो आप अपने सिचुएशन में कंफर्टेबल हो जाइए ठीक है बाद में पोस्टपोर्न करके बाद में सोच लेना कि ठीक है अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा बर्डन हो रहा है सो जस्ट किप इट असाइड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर आवर यूथ के लिए मतलब जिंदगी के यूथ के लिए प्रिपेयर हो जाओ लेकिन थोड़ा बाद में भी यहाँ से भी हम देख लेते हैं वट इज देयर इंडल फोल्ड बहुत मस्ती मौज करते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे कुछ लोग हनीमून का प्लान करेंगे कुछ लोग घूमने का प्लान करेंगे सम कॉन्फ्लिक्स इन योर वर्क प्लेस आपके काम के जगह पे कुछ कॉन्फ्लिक हो सकता है इसलिए मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा सावधान रहिएगा स्टोरेज रैग्स एंड कंटेनर्स हो सकता है कि आप अपने ऑफिस में काफी ज्यादा केबेंस में हो सकता है कि आपको ज्यादा अलमीरा या अपने घर में स्टोरेज की जगह पे आपको हो सकता है कि रखना पड़े इसलिए आप खरीदो या हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक डिज़ाइनर है हो सकता है कि आप ऑनलाइन में सिखाते कैसे कम स्पेस में स्टोर किया जा सकता है फर्टिलिटी इश्यूज सॉल्व अगर आपके कोई मैटर्नरी क्लिनिक में आप विजिट कर सकते हैं मे बी आप अगर फीमेल है तो आप और ना आपकी वाइफ या आपके पार्टनर फर्टिलिटी अगर कोई इश्यूज था तो उसका सॉल्व हो सकता है रॉक स्टार कॉन्सर्ट एंड ऑडियंस हो सकता है कि कोई ऐसा फंक्शन आप अटेंड करें और एक लेंगे हम बोरव एंड रिटर्न जिन्होंने आपसे उधारी लिया था हो सकता है कि वो आपको रिटर्न भी कर दे सो दिस इज़ ऑल अबाउट टू डेज रीडिंग गाइज आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज़ टू शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी लव यर लॉड टेक केयर ऑफ़ यूर सेल्फ एंड